तो ये जो चैप्टर स्टार्ट है एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ स्टार्ट है। हम कैसे निकालेंगे बी वेक्टर? अगर मैं बात करूं ई वेक्टर, हम कैसे निकालते थे ई वेक्टर, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक पहला फॉर्मूला था, वो क्या था? कूलम लॉ। कूलम लॉ से ई वेक्टर निकला था। पूरा चैप्टर कूलम लॉ ने संभाल रखा था। बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे, जो बी वेक्टर निकालता है, उसको बोलते हैं बाइट सेवर्ट्स लॉ। बाइट सेवर्ट्स लॉ, बाइट सेवर्ट लॉ क्या बताता है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, टेढ़ी मेढ़ी या सीधी, उससे कोई फर्क ना पड़ता, तो बाइट सेवर्ट लॉ का रूल नंबर वन, ये आपको करंट कैरिंग वायर, पूरी करंट कैरिंग वायर का बी नहीं निकाल के देगा, नहीं दे सकता, ये आपको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल के देगा। तो ये आपको बी निकाल के नहीं दे सकता, ये आपको डी भी निकाल के देगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वायर है, ये बहुत बड़ी वायर का बी निकाल के नहीं देगा, ये आपको इसका एलिमेंट का बी निकाल के देगा। तो आप इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डीएल वेक्टर। इस डीएल वेक्टर की दूरी आर वेक्टर है इस पी पॉइंट से, तो पी पॉइंट से आर वेक्टर दूर कोई पॉइंट है जहां पर आप स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये लॉ कहता है कि यहां पर जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, इस एलिमेंट की वजह से, पूरी वायर की वजह से नहीं, इस एलिमेंट की वजह से, वो डीबी डिपेंड करेगा इसमें कितना करंट पास हो रहा है, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, वो डिपेंड करेगा इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है डीएल, वो डिपेंड करेगा साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। मुझे कैसे पता लगा कि डीएल वेक्टर ऊपर है, नीचे क्यों नहीं है? डीएल वेक्टर नीचे भी हो सकता था, करंट, अगर करंट आपका ऊपर जा रहा है तो डीएल वेक्टर ऊपर होगा, अगर करंट नीचे आ रहा है तो डीएल वेक्टर नीचे होगा। क्लियर है? तो यहां पर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो डीवी डिपेंड करता है साइन ऑफ थीटा पे, और डीवी एक और चीज पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे। अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो डीवी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और यहां पर एक कॉन्स्टेंट लगता है, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू न्यूमेरिकली क्या होती है? 10 की पावर -7। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन होता था, तो 10 की पावर -7, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ऐसे ही इसको म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, क्योंकि वैक्यूम है, हम अपना एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कर रहे हैं। तो यहां पर वैल्यू क्या बन गई? कॉन्स्टेंट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो डीबी की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आप लिखें अपने फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर पहला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला रजिस्टर में पहला फॉर्मूला, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीएल एलिमेंट की वजह से इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लिखें। और एक चीज और देखें, वो भी लिख लें, बाइट सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में देख लें। अगर बाइट सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्यों लिखना है? वो इसलिए लिखना है कि डीबी इज अ वेक्टर। तो बाइट सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। आप कहेंगे ये क्या चक्कर, आर क्यूब कैसे हो गया? देखें, जब मैं इसे ओपन करूंगा, ये ध्यान से देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल इंटू आर इंटू एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो साइन ऑफ थीटा बाय आर क्यूब, आर से आर क्यूब कैंसिल, तो सेम आंसर आ गया। तो ये एक ही बात है। तो आप इसके अंदर क्या करें, एक ये फॉर्मूला लिखें, एक ये फॉर्मूला लिखें, दो फॉर्मूला लिखें। तो बाइट सेवर्ट लॉ लिखें और बाइट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखें। बाइट सेवर्ट लॉ आपको बी नहीं निकाल के दे सकता, आपको डी बी ही निकाल के देगा, ठीक? तो दोनों फॉर्मूलाज को नोट करें। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक? वेक्टर फॉर्म,
इसके अंदर आईडियल, ये देख रहे हो बाइट सर्वेट लॉ में आईडियल यूज करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? करंट, और डीएल का मतलब स्मॉल एलिमेंट। तो आईडियल कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का मतलब आईडियल होता है। तो इसके अंदर डीबी के यूनिट्स पता है टेस्ला, डीबी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक फॉर्मूला ये चैप्टर में यूज होता जाएगा, अगर मैं 1/ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यूज करूं, म्यू नॉट का मतलब इस चैप्टर का म्यू नॉट परमेबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी, अगर मैं यूज करूं और अंडर रूट लूं और रेसिप्रोकल लूं तो मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट आएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 आएगा। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लें, अगर किसी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा तो ये नोट किया जा सकता है। तो 1/ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा क्या देगी आपको? स्पीड ऑफ लाइट देगी।